इससे पिछले लेक्चर में हमने सीक्वेंसेस का इंट्रोडक्शन देखा। इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज नंबर 6.1 के क्वेश्चंस जो हैं उनको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 इज राइट द फर्स्ट 4 टर्म्स of sequences if अब पार्ट 1 जो है उसमें हमारे पास जनरल टर्म दी गई है a n is equal to 2n minus 3। हमने पहली चार टर्म्स जो हैं वो इस सीक्वेंस की लिखनी है। जैसे कि मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया कि किसी भी सीक्वेंस की जनरल टर्म दी गई हो और उसकी कोई भी टर्म हमने फाइंड करनी हो तो हम सिंपली n की जगह पे वो नंबर पुट कर देंगे जो टर्म हमने फाइंड करना होगी। अब हमने फर्स्ट 4 टर्म्स फाइंड करनी है तो पहले जब हम फर्स्ट टर्म फाइंड करेंगे तो n की जगह पे 1 पुट कर देंगे, तो जहां जहां पे n है वहां वहां पे 1 पुट कर दें तो ये हो जाएगा a1 इज इक्वल टू 2 इंटू 1 माइनस 3 विच इज इक्वल टू 2 माइनस 3 विच इज इक्वल टू माइनस 1। जब हमने सेकेंड टर्म फाइंड करना होगी तो n की जगह पे 2 पुट कर देंगे, a2 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 माइनस 3 विच इज 4 माइनस 3 इज इक्वल टू 1। थर्ड टर्म फाइंड करना होगी तो n की जगह पे 3 पुट कर देंगे, a3 इज इक्वल टू 2 इंटू 3 माइनस 3 विच इज इक्वल टू 6 माइनस 3 3। जब फोर्थ टर्म फाइंड करना है तो n की जगह पे 4 पुट कर दें तो a4 इज इक्वल टू 2 इंटू 4 माइनस 3 विच इज इक्वल टू 8 माइनस 3 विच इज 5। तो इसमें जितने भी पार्ट्स दिए गए हैं उसमें हमने पहली चार टर्म जो है वो फाइंड करना है। उसमें जनरल टर्म दी गई है, सिंपली हमने n की जगह पे पहली दफा 1 पुट कर देना है तो फर्स्ट टर्म आ जाएगी, दूसरी दफा 2 पुट कर देना है तो सेकेंड टर्म आ जाएगी, बाद में 3 पुट कर देना है तो थर्ड टर्म आ जाएगी और 4 पुट कर देना है तो फोर्थ टर्म आ जाएगी। सिंपल मैथमेटिक्स है। एक मैं और क्वेश्चन कर देता हूं, बाकी जो इसके पार्ट्स हैं वो आप खुद करेंगे। पार्ट नंबर 6, इसमें हमारे पास जनरल टर्म दी गई है ए एन इज इक्वल टू 1 ओवर 2 रेज टू पावर एन। अब जब हमने फर्स्ट टर्म फाइंड करना है तो n की जगह पे 1 पुट कर देंगे, a1 इज इक्वल टू 1 ओवर 2 रेज टू पावर 1 विच इज 1 बाय 2। जब हमने सेकेंड टर्म फाइंड करना है तो n की जगह पे 2 पुट कर देंगे, a2 इज इक्वल टू 1 ओवर 2 रेज टू पावर 2 विच इज 1 ओवर 4। और जब हमने थर्ड टर्म फाइंड करना है तो n की जगह पे 3 पुट कर देंगे, a3 इज इक्वल टू 1 ओवर 2 रेज टू पावर 3 विच इज इक्वल टू 1 ओवर 8। और जब हमने फोर्थ टर्म फाइंड करनी है तो n की जगह पे 4 पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा 1 ओवर 2 रेज टू पावर 4 विच इज इक्वल टू 1 ओवर 16। तो ये जो क्वेश्चन है इसमें हमने पहली चार टर्म्स फाइंड करना थी किसी सीक्वेंस की जिनकी हमारे पास जनरल टर्म दी गई थी। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि किसी भी सीक्वेंस की जनरल टर्म दी गई हो और उसकी हमने कोई भी टर्म फाइंड करना हो तो उसमें n की जगह पे वो वैल्यू पुट कर देंगे जो टर्म हमने फाइंड करना होगी। तो पहली जो क्वेश्चन था उसमें हमारे पास जनरल टर्म थी ए एन इज इक्वल टू
2n माइनस 3, फोर टर्म्स फाइंड करने के लिए n की जगह पे पहले दफा 1 पुट किया, फिर 2, फिर 3, फिर 4। सिमिलरली एक और जो पार्ट है उसको मैंने सॉल्व किया, जिसमें जनरल टर्म है ए एन इज इक्वल टू 1/2 raised to power n, तो उसको सॉल्व करने के लिए भी n की जगह पे हमने पहले दफा 1 पुट किया, फिर 2 पुट किया, फिर 3 पुट किया, फिर 4 पुट किया, तो हमारे पास ये सीक्वेंसेस की 4 टर्म्स आ गई। इस सीक्वेंस की हमारे पास 4 टर्म्स आई, -1, 1, 3, 5, और इस सीक्वेंस की हमारे पास 4 टर्म्स आई, 1/2, 1/4, 1/8 एंड 1/16। तो इस क्वेश्चन के बाकी जितने भी पार्ट्स हैं उनको आप खुद इजीली सॉल्व कर सकते हैं, सिंपली आपने वैल्यूज पुट करनी है n की। दिस इज क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 इज फाइंड द इंडिकेटेड टर्म्स इन द फॉलोइंग सीक्वेंसेस। पार्ट 1 में हमारे पास सीक्वेंस दिया गया है 2, 6, 11, 17, और हमने इसकी 7th टर्म फाइंड करना ही है। जैसे कि मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया कि जो सीक्वेंस की टर्म्स होती हैं उनके दरमियान को ये एक रिलेशन होता है, वो एक तरतीब के साथ होती हैं, तो उनमें कोई एक रूल होता है, हमने वो रूल फाइंड करना है जिसको ये फॉलो कर रही हैं, तो उससे हम इजीली 7th टर्म जो है वो फाइंड कर सकते हैं। यहां पे अब हमारे पास a1 जो है वो 2 है और a2 जो है वो 6 है, a3 जो है वो 11 है और a4 जो है वो 17 है। a1 हमारे पास 2 है, जब हमने a1 में 4 ऐड किया तो तब हमारे पास सेकंड टर्म आई है, और जब हमने सेकंड टर्म में 5 ऐड किया तब हमारे पास थर्ड टर्म आई है, और जब हमने थर्ड टर्म में 6 ऐड किया तब हमारे पास फोर्थ टर्म आई है। अगर हमने 5th टर्म जो है वो फाइंड करना होगी तो तब हम क्या करेंगे कि 4th टर्म जो है अगर हम उसमें 7 ऐड करेंगे, क्योंकि हर दफा जो है हम जो नंबर ऐड कर रहे हैं उसमें एक ऐड करके उसको ऐड कर रहे हैं। पहली दफा हमने 4 ऐड किया, बाद में 5, बाद में 6, बाद में 7, सिमिलरली इसके बाद 8, 9 एंड 10। जब हम A4 में 7 ऐड करेंगे, 17 + 7 दैट इज 24, और जब हमने A6 फाइंड करना है तब हम A5 में 8 ऐड करेंगे, A5 हमारे पास है 24, 24 + 8 इज 32, और जब हमने A7 फाइंड करना है तो तब हम जो 6 टर्म है उसमें 9 ऐड करेंगे, तो तब हमारे पास ये टर्म जो 7th है वो आ जाएगी, जो कि हमारे पास होगी 41। तो एक दफा जब हम वो रूल फाइंड कर लेंगे जिसको वो सीक्वेंस फॉलो कर रहा है तो हम उसकी कोई भी जो टर्म है वो फाइंड कर सकते हैं। एक और पार्ट जो है उसको हम देख लेते हैं। सीक्वेंस है 1, 3, 12, 60, और हमने इसकी 6 टर्म फाइंड करना है। a1 इज 1, a2 इज 3, a3 इज 12, a4 इज 60।
अब हमने ये देखना है कि ये किस रूल के तहत जो है वो नेक्स्ट टर्म आ रही है। फर्स्ट टर्म तो आ गई, नेक्स्ट सेकंड टर्म आई है जब हमने फर्स्ट टर्म को मल्टीप्लाई किया है 3 के साथ, और उससे अगले वाली टर्म आई है जब हमने इस 8 2 को मल्टीप्लाई किया है 4 के साथ, नेक्स्ट टर्म आई है जब हमने इस 8 3 को मल्टीप्लाई किया है 5 के साथ। तो हमने एक रूल फाइंड कर लिया कि अगर हम जो सीक्वेंस है उसकी जो टर्म है उसको पहली दफा 3 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास नेक्स्ट टर्म आ गई, अगली दफा उस 3 में 1 ऐड करके उस टर्म से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास नेक्स्ट टर्म आ गई। नेक्स्ट टर्म फाइंड करने के लिए हमने जिस नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसमें +1 ऐड किया, उससे मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास नेक्स्ट टर्म आ गई। जब हमने फिफ्थ टर्म फाइंड करना होगी तो हम ये जो फोर्थ टर्म है इसको 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 60 मल्टीप्लाइड बाय 6, तो इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा 360। और जब हमने सिक्स टर्म फाइंड करना होगी तो हम इस फिफ्थ टर्म को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 360 मल्टीप्लाइड बाय 7, तो उसका आंसर हमारे पास आ जाएगा 2520। तो इसके बाकी जितने भी पार्ट्स हैं उनको आप खुद इजीली फाइंड कर सकते हैं। सबसे पहले आपने ये देखना है कि वो जो सीक्वेंस है वो किस रूल को फॉलो कर रहा है। वो रूल जब आपको एक दफा पता चल जाएगा तो उसके बाद आप उस सीक्वेंस की कोई भी जो टर्म है वो फाइंड कर सकते हैं, या इसको इस तरीके से करने की बजाय जिस तरीके से हमने एक फॉर्मूला बनाया था, चाहे तो हम सीक्वेंस का पहले फॉर्मूला बना लें और उसके बाद फिर हम जो टर्म फाइंड करनी है वो एन की जगह पे वो पुट कर दें तो सॉल्व कर सकते हैं। दोनों तरीकों में से आपको जो आसान लगे आप उसको उस तरीके से कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 इज फाइंड द नेक्स्ट टू टर्म्स ऑफ फॉलोइंग सीक्वेंसेस। पहला पार्ट दिया गया है, सीक्वेंस है 7 9 12 एंड 16। इसकी हमने नेक्स्ट टू टर्म्स जो हैं वो फाइंड करना है। ये भी बिल्कुल उसी तरीके से करना है जिस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट्स को सॉल्व किया, कि हम कोई रूल देखेंगे कि जिसको ये सीक्वेंस फॉलो कर रहा हो। A1 इज 7, A2 इज 9, A3 इज 12, A4 इज 16। पहली टर्म में जब हमने 2 ऐड किया A1 प्लस 2 तो हमारे पास सेकेंड टर्म आ गई। इस सेकेंड टर्म में जब हमने 3 ऐड किया तो हमारे पास थर्ड टर्म आ गई। इस थर्ड टर्म में जब हमने 4 ऐड किया तो हमारे पास फोर्थ टर्म आ गई। जब हम फिफ्थ टर्म फाइंड करेंगे तो इसका मतलब ये हुआ कि हम फोर्थ टर्म में 5 ऐड करेंगे। फोर्थ टर्म हमारे पास है 16, इसमें 5 ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 21। नेक्स्ट जब हम सिक्स टर्म फाइंड करेंगे तो फिफ्थ टर्म में हम 6 ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 27। बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरीके से हमने पिछले क्वेश्चन को सॉल्व किया, हम सीक्वेंस में देखेंगे कि उसमें कौन सा रूल जो है वो है, जिस सीक्वेंस किस रूल को फॉलो कर रहा है। अब इसमें यह है कि हर टर्म जो है, पहली दफा हम उसमें 2 ऐड किया है, नेक्स्ट टर्म में हमने 3 ऐड किया, देन 4, देन 5, देन 6,
सिमिलरली हम नेक्स्ट जितनी भी टर्म्स होगी उनमें हम एक नंबर इंक्रीज करते जाएंगे और पिछली टर्म में ऐड करते जाएंगे। इस तरीके से इसके बाकी जो पार्ट्स हैं वो आप खुद करेंगे। सबसे पहले आप सीक्वेंस को देखेंगे कि सीक्वेंस जो है वो किस रूल को फॉलो कर रहा है। जब आपको रूल का पता चल जाएगा तो उसके बाद फिर आप सीक्वेंस की कोई भी जो टर्म है वो फाइंड कर सकते हैं। तो बाकी जो इसके पार्ट्स हैं, तीन पार्ट्स हैं, उनको आप खुद करेंगे। सो दिस इज द एंड ऑफ द एक्सरसाइज नंबर 6.1। इससे नेक्स्ट लेक्चर में हम सीक्वेंस की एक टाइप अरिथमेटिक सीक्वेंस को स्टडी करेंगे। उसमें हम अरिथमेटिक सीक्वेंस की कुछ प्रॉपर्टीज हैं वो देखेंगे और ये भी देखेंगे अरिथमेटिक सीक्वेंस क्या होता है। सो दिस इज द एंड ऑफ दिस लेक्चर।